साल 2023 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शुरुआत होती है 2024 के चुनावी सरगर्मी की। लेकिन 2024 की बात 2023 के शुरू होने के साथ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि साल 2023 में शुरू से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय हूँ और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। बात ऐसी है कि 2024 का चुनाव अगर चुनाव का फाइनल है तो 2023 सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल जैसा होने वाला है। इस साल 9 राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं तो वहीं पश्चिम में राजस्थान में चुनाव है, मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं तो वहीं दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में भी चुनाव हैं। यानी जो 2023 में अपनी योग्यता साबित कर पाएगा, ज़्यादा संभावना है कि 2024 के आम चुनाव में देश की जनता उसी विचारधारा पर अपना भरोसा जताएगी। तो आज की खबर में मैं आपको 2023 के दंगल के सभी मैदानों की स्थिति बताऊंगा, जहां होने हैं सियासत का सेमीफाइनल। फरवरी से मार्च के बीच नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव होने के आसार हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। मेघालय विधानसभा में 60 सीट हैं, इनमें से 55 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मेघालय की 85% से ज़्यादा आबादी जनजातियों की है। इस बार के चुनाव में एनपीपी नेता और सीएम कोनराड संगमा के सामने सत्ता में बरकरार रहने की चुनौती है। वहीं बीजेपी को मेघालय में जनाधार बढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2018 में सिर्फ 2 सीट जीतने के बावजूद बीजेपी मेघालय की सरकार में शामिल है। मेघालय के लोगों को इस बार टीएमसी के तौर पर नया विकल्प मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को खत्म होने वाला है। त्रिपुरा विधानसभा में 60 सीट है। इस बार त्रिपुरा के चुनाव पर सबकी खास नज़र है। यह ऐसा राज्य है जो एक वक्त वामपंथी शासन का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी ने सीपीएम की सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका। कई सालों से त्रिपुरा की सत्ता को संभाल रही सीपीएम 2018 के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। सीपीएम ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो महज 16 सीटें जीत पाई थी। 2018 में बीजेपी ने युवा चेहरे के तौर पर बिप्लब देव को सीएम बनाया था, लेकिन चुनाव से 9 महीने पहले इस साल मई में बीजेपी ने बिप्लब देव की जगह माणिक साह को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सवाल ये गूंज रहा है कि क्या इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या सीपीएम को फिर से मौका मिलेगा। टीएमसी का चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार वो त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी में है। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। नागालैंड विधानसभा में भी 60 सीट है। नागालैंड में इस साल एक ऐसी घटना हुई जिससे मौजूदा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की ताकत और बढ़ गई। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी एनपीएफ के 21 विधायक अप्रैल 2022 में नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी में शामिल हो गए। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीआर जेलियांग भी शामिल थे। इससे एनडीपीपी विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई और मुख्य विपक्षी दल एनपीएफ के पास सिर्फ एक ही विधायक बच गया। एनपीएफ ने पहले ही कह दिया है कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि उसके लिए अब यहां की राजनीति में फिर से जड़े जमाना बेहद मुश्किल लग रहा है। नेफ्यू रियो के पास 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका है। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का मकसद सत्ता में बने रहना है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश करेगी। इसके बाद अप्रैल मई के बीच कर्नाटक में चुनाव होने की संभावना है। कर्नाटक विधानसभा का सत्र 24 मई 2023 को खत्म हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव में 224 सीट वाली विधानसभा में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के कारण कुमारस्वामी सरकार गिर गई। विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2021 को बसवराज बोम्बई उनकी जगह सीएम बने। राज्य में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आंतरिक कलह से गुजर रही है। कर्नाटक के सियासी रण में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही जेडीएस भी एक बड़ी ताकत है। जेडीएस अकेले दम पर जनादेश हासिल कर पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीएस बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का मादा जरूर रखती है। इस बार कर्नाटक के चुनावी दंगल में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस भी ताल ठोकने को तैयार है। इस नए समीकरण से कर्नाटक का सियासी रण और दिलचस्प
हो गया है। कर्नाटक के बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने के आसार हैं। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है। मिजोरम की राजनीति पर मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। पूर्वोत्तर में एकमात्र राज्य मिजोरम ही है जहां बीजेपी की साख कमजोर नजर आती है। 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख जोरामथंगा तीसरी बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में हार के बाद पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बची। 1989 से यहाँ कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट 10-10 साल सत्ता में रहते आई है। इस बार देखना होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट फिर से सत्ता हासिल कर 10 साल की परंपरा कायम रख पाती है या नहीं। मिजोरम के बाद ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी इसी साल दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है। जिन तीन राज्यों में कांग्रेस की अपने बलबूते सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ उसमें से एक है। बाकी दो राज्य राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2003 से दिसंबर 2018 तक बीजेपी सत्ता पर काबिज रही थी और रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के 150 की बादशाहत को खत्म कर दिया था। कांग्रेस को 3/4 से भी ज़्यादा सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस को कुल 68 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। रिकॉर्ड जीत दिलाने वाले दिग्गज नेता भूपेश बघेल की अगुवाई में वहां कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद की खबरें अक्सर कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली होती है। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ में हुए तमाम उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। यहाँ विधानसभा में कुल 230 सीट है। मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में एक दिलचस्प वाकया हुआ। नवंबर 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वो बहुमत से महज 2 सीटें दूर रही। 56 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का रथ 109 सीटों पर रुक गया। कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मार्च 2020 आते आते मध्य प्रदेश की सियासत में नया भूचाल आ गया। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। उनके साथ ही कांग्रेस के मौजूदा 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी। इसके बाद मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2018 को खत्म हो रहा है। यहाँ विधानसभा में कुल 200 सीट हैं। 2023 में सबकी निगाहें राजस्थान की सियासी दंगल पर होगी। बड़े राज्यों में यही एक राज्य है जहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में पिछले 6 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती रही है। ये सिलसिला 1993 से जारी है। 1993 से यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी है। राजस्थान की यह परिपाटी ही फिलहाल सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 के बाद से ही तनातनी जारी है। कांग्रेस के लिए इस बाधा से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। यहाँ विधानसभा में कुल 119 सीट है। तेलंगाना की सियासत में अब तक के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज रहा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर जून 2014 में अलग राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद 2018 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त तेलंगाना के कुल 119 सीटों में से 88 सीटों पर केसीआर की पार्टी को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी जिन नए राज्यों में पार्टी विस्तार के प्रयास में लगी है उनमें तेलंगाना भी शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।